चलिए आज बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ते हैं, आहार श्रृंखला और आहार जाल। आहार श्रृंखला और आहार जाल मैट्रिक 11 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कम्पिटेटिव भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा इसको अपर लेवल तक देखेंगे ताकि हमको इस टॉपिक पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उससे छूटे नहीं, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम हो या नॉर्मल बोर्ड का एग्जाम हो। तो आहार श्रृंखला आहार जाल को समझने से पहले इकोलॉजिकल सिस्टम को समझते हैं। आहार श्रृंखला मतलब पोषण प्राप्त करना। तो पोषण प्राप्त करने के कितने सिस्टम हैं, कैसे प्राप्त होता है? तो पूरे ब्रह्मांड में, खासतौर पर सोलर सिस्टम में, पृथ्वी है जिस पर जीव हैं। अभी तक के एनालिसिस के अनुसार तो पृथ्वी पर जीवों के पोषण की आवश्यकता होती है, चाहे वो जीव जंतु हो या पौधे हो। तो पोषण के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हर जीव जंतु या पेड़ पौधों को एनर्जी जो भी प्राप्त होती है, जहाँ से प्राप्त होती है, उस सबों का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। सभी एनर्जी का स्रोत सूर्य है, चाहे जिस तरीके से देखा जाए तो सूर्य ही है जो सबको ऊर्जा देते हैं। चूँकि देखिए, पेड़ पौधे हैं तो भोजन बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन पौधे बनाते हैं, और पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको ग्रहण करते हैं जीव जंतु। अब जैसे एक मकई के टहने की बात करें तो उसके पत्तियों को गैया खा जाएगी, दूसरे मवेशी खा जाएंगे, और उसके बाल में जो दाने आएंगे वो जीव जंतु खाएंगे। बेसिकली जितने कुक्कुट पालन हैं उसमें मकई के दाने का उपयोग किया जाता है, पहले मनुष्य का भी मुख्य आहार है और अच्छा पोषक तत्व माना जाता है मक्का। इसका लगातार सेवन से एक फायदा और होता है, अगर बायोलॉजी और पोषण को ठीक से समझना चाहते हैं तो, आदमी को टीबी रोग से बचाता है मकई। खैर, पोषण की बात करें तो पोषण का जो श्रृंखला है, जो पोषण एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, जहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, वो तो सबसे पहला सूर्य हो गया जो समस्त ऊर्जाओं का स्रोत है। उसके प्रकाश को ग्रहण कर खनिज तत्वों के मदद से, वातावरण से CO2 लेकर पौधे क्लोरोफिल के सहायता से ऊर्जा का निर्माण करते, विशेष ऊर्जा का निर्माण करते, जिससे वो अपना दैनिक जीवन सुचारू रूप से चलाते हैं, और उनके द्वारा संचित ऊर्जा का ग्रहण बाकी जीव जंतु करते हैं। तो जो सबसे पहले भोजन बनाता है पौधा, वो किसी दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित नहीं होता, तो ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी तो भाई पेड़ पौधे ही हैं, जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होते, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे को भोजन के तौर पर ग्रहण करता हो, वो परपोषी हो गया। अब ये स्वपोषी और परपोषी तो हो गए, लेकिन पोषण प्राप्त करने के आधार पर, चीन के आधार पर, कि ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, जो भोजन का उत्पादन करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे उत्पादक हैं, भोजन बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए गए भोजन को, उनके टहनी के, उनके पत्ते को गैया और मवेशी खाते हैं, और बीज और फल को हम खाते हैं। अब बात आएगी कि बीज क्यों खाते हैं। तो पौधा अपना टोटल एनर्जी बीज में निहित रखता है, चूँकि जानता है कि ये मेरा अगला जनरेशन है और वो मेरे जैसा पौधा बनाएगा। और मानव और जीव जंतु इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसे ग्रहण करेंगे तो हमें पोषण मिल जाएगा। तो पौधे उत्पादक हो गए, और पौधे के उत्पादित किए गए भोजन को जो भी ग्रहण करेगा जीव, वो उपभोक्ता हो गया। तो उपभोक्ता की कई श्रेणी होती है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और आप कहने के लिए चतुर्थ श्रेणी कह सकते हैं, लेकिन उसे उच्च श्रेणी का उपभोक्ता भी कहा जाता है। तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? जो हरे पौधे को ग्रहण करता है वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। हरे पौधे को ग्रहण करने वाला प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, और जो उपभोक्ता प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को ग्रहण करे उसे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं, और उसको जो आहार के रूप में ग्रहण करे वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है, और उसको जो ग्रहण करे वो चतुर्थ या उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है। जैसे देखिए, पौधा है तो हरा पौधा तो भोजन बनाता है सूर्य से प्रकाश लेके, तो ये हो गया उत्पादक। अब जैसे ही पौधे को या घास को टिड्डा खाएगा तो ये हो गया प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। अब जैसे ही टिड्डा को खाएगा मेंढक तो ये हो गया
द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के बाद मेढक को खाता है सांप, तो ये हो गया तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, ठीक। और सांप को खाता है बाज, तो बाज हो गया चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता, जिसे हम उच्च श्रेणी का उपभोक्ता भी कह सकते हैं। और ये ध्यान रखना होगा कि उच्च श्रेणी के उपभोक्ता को कोई जीव नहीं खाता। तो ये इसी की तरह, अब जैसे हम लोग चले आए स्थलीय परिस्थिति का तंत्र में, मैदानी परिस्थिति का तंत्र में, तो घास को खाती है हिरण, तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो गई, और हिरण को खाता है शेर, तो ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो यहाँ पे क्या है, आहार श्रृंखला छोटा हो गया, तीन ही कड़ी हुए, लेकिन यहाँ पर शेर उच्च श्रेणी का उपभोक्ता है और उसे कोई नहीं खाता। अब मानव है तो मान, जैसे गेहूं के दाने हैं उनको मुर्गे ने खाया, तो मुर्गा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो गया, मुर्गा को खाया आदमी, आदमी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, ये आहार श्रृंखला छोटा हो गया। ये देखिए आहार श्रृंखला लंबा है, ठीक है। तो एक जीव पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो प्रथम श्रेणी का हो, चाहे वे द्वितीय श्रेणी का हो। तो प्रत्येक जीव आहार के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जो सीधे रेखा में जुड़ जाते हैं तो एक श्रृंखला बनाते हैं भोजन के लिए, पोषण के लिए, इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद आहार जाल की बात करें, तो आहार जाल कैसे बनता है, एक्चुअल में वो आहार श्रृंखला ही है, लेकिन आहार श्रृंखला में कभी कभी एक जीव पोषण के लिए अनेक पोषित स्तर पर, अनेक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है, एक ही उपभोक्ता अनेक जगह से पोषण प्राप्त करने लगता है, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी प्रथम श्रेणी को, कभी द्वितीय श्रेणी को। तो ऐसा करने पर आड़े तिरछे जाल बन जाता है पोषी स्तर का, डिपेंडेंसी के अनुसार, तो एक जाल बनाता है जिसे आहार जाल कहते हैं। फिर से समझे इसको, उत्पादक हैं लेकिन उत्पादक का जो ग्रहण करेगा वो उपभोक्ता है, उपभोक्ता कई श्रेणी के हैं, लेकिन एक ही उपभोक्ता कई जगह से आहार प्राप्त करने लगे तो आड़े तिरछे जाल बन जाएगा जिसे आहार जाल कहते हैं। जैसे पौधा हो गया, पौधा को कौन खाया भाई, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाया, छिपकली, हो सकता है भाई, छिपकली को कौन खाया, बाज। क्यों, पौधे को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को सांप नहीं खाएगा क्या, और सांप को बाज नहीं खाएगा क्या, पौधे को किसने खाया, खरगोश, खरगोश को बाज नहीं खाएगा क्या, खाएगा, तो एक जाल बन जाता है। अब इसमें भी देखिए, क्यों सांप टिड्डे को नहीं खा सकता क्या, खा सकता है, तो टिड्डा यहां भी है, सांप मेढक को नहीं खा सकता क्या, टिड्डे को अगर मेढक खाए तो मेढक को भी तो सांप खा सकता है। तो इस तरीके से अगर जाल बनता है तो उसे कहते हैं आहार जाल। अब इसमें उत्पादक और उपभोक्ता की श्रृंखला को देखेंगे तो कोई सीधी श्रृंखला नहीं मिलेगी, आड़े तिरछे जाल बन जाएंगे, तो ये आहार जाल कहे जाते हैं। आहार जाल में भी प्रत्येक स्तर पर पोषण का स्थानांतरण होता है इसी की तरह, लेकिन अब किसके पास कितना पोषण जाता है इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, तो इसके लिए लिंडमान ने एक 10% लॉ बनाया जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लिंडमान ने 10% लॉ बनाया, कहा कि लिंडमान ने कहा कि उत्पादक अगर भोजन बनाता है जिसके पास मान लीजिए 10,000 किलो जूल एनर्जी एकत्रित हो गई, बनाया इसने, अगर इसको टिड्डे ने खाया तो टिड्डे के पास इसका 10% ऊर्जा स्थानांतरित होगा और 90% ऊर्जा व्यर्थ व्यय हो जाएगा। तो 10% इसका कितना हुआ, 10,000 का 1,000 किलो जूल। अगर टिड्डे को मेढक खाए तो इसे मिलेगा 100 किलो जूल, मेढक को सांप खाए तो 10 किलो जूल, और सांप को बाज खाए तो 1 किलो जूल एनर्जी मिलेगा, बाकी 90% ऊर्जा व्यर्थ व्यय हो जाती है।
इसे कहते हैं लैंड डिमांड का नियम। तो उसने उत्पादक उपभोक्ता की श्रेणी को अलग तरीके से डिफाइन किया, पोषी स्तर। ये उत्पादक है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रथम पोषी स्तर है जो पोषण प्राप्त कर रहा है, ये द्वितीय प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय पोषी स्तर, और ये उच्च पोषी स्तर या चतुर्थ पोषी स्तर कह सकते हैं। प्रथम पोषी स्तर ये हो गया, द्वितीय पोषी स्तर ये हो गया, तृतीय पोषी स्तर वो चतुर्थ पोषी स्तर। अब आप पोषी स्तर की बात करेंगे तो लैंडमान ने कहा पोषण प्राप्त करने वाला पोषी स्तर है। तो देखिए ये भी पोषण प्राप्त करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, उत्पादक तो यही है, लेकिन कभी कभी किसी किसी किताब में मिलता है ऐसा कि यही प्रथम पोषी स्तर है, क्योंकि यही पोषण प्राप्त करता है सूर्य से पहले, ये भी तो पोषण प्राप्त करता है, इसके बाद ये सेकेंडरी, टर्शियरी और चार्टरी। तो ये लैंडमान का 10% लॉ। लैंडमान का 10% लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है और 90% व्यर्थ व्यय हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आहार श्रृंखला और आहार जाल। इसके पहले का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आपको अगर किसी टॉपिक की जानकारी चाहिए तो नीचे नोट में देंगे, हम लोग अगले क्लास में उसको डिफाइन कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।